आगरा के घघरा पिया, आगरा के घघरा पिया, बक्सर के बाली हमरा चाही हो, जौवन होठवा पे लागे चटकार, आरा के होठ लाली जा। क्या कीजिएगा आप लोग, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे, जब तक दम है तब तक गाते रहेंगे और आए दिन प्रयास। फूल में बाजे बधैया यशोदा मैया, गोकुल में बाजे बधैया यशोदा मैया। नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यंग चंपारण न्यूज में। दोस्तों, मैं इस वक्त पटना में मौजूद हूं और मेरे साथ भोजपुरी के लोक के गायिका जिनका नाम है सिद्धि सिंह, और ये देखिए इनका मतलब बहुत बड़ा रीजन है कि ये अश्लील गाना नहीं गाती है, जो भी है पारंपरिक गाना गाती है, जो मतलब अपने फैमिली के साथ बैठ कर मतलब सुन सकते हैं। और आइए मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटिव और कुछ बातें इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे न्यूज चैनल में अपना हार्दिक स्वागत है। नमस्ते प्रणाम, और मैं सिंगर शिल्पी सिंह, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका यंग चंपारण न्यूज में, मतलब आपके माध्यम से जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, तहे दिल से मेरा नमस्कार है। अगर हम लोगों को मतलब बात करते समय कोई गलती हो जाए तो प्लीज आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी बहुत बच्चे हैं, उतने बड़े लेवल के नहीं है, बट आगे ये क्या पूछना चाहते हैं मैं बताना बेशक पसंद करूंगी। अच्छा, आप मतलब सिंगिंग लाइन में कितने दिन से काम करते हैं, जरा ये बता दीजिए। हम 2015 से गा रहे हैं इस लाइन में। लेकिन आप अश्लील गाना नहीं गाते हैं, पारंपरिक गाना गाते हैं, जिसकी वजह से आपका व्यू नहीं जाता है, क्या आपको लग रहा है कि अश्लील गाना नहीं गाना है, पारंपरिक गाना मतलब गाना है? जी, मुझे अश्लील नहीं गाना है, पारंपरिक सामाजिक अपने धर्म से जुड़ा ही सॉन्ग में गाना पसंद करूंगी। व्यूज आज नहीं तो कल जरूर आएगा, अगर बुरे सुनने वाले हैं इस लाइन में तो अच्छे भी सुनने वाले हैं, और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, आज नहीं तो कल वो दिन बेशक आएगा। पारंपरिक गाना गा रहा है, जो मतलब साफ सुथरा गाना गा रहा है, मतलब हमारे इंडस्ट्री में उनका व्यू नहीं जा रहा है, जैसे कि आप हैं, आप मतलब साफ सुथरा गाना गा रहे हैं, मतलब अश्लील गाना नहीं गा रहे हैं, अश्लील गाना नहीं परोस रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, तो आपका व्यू नहीं जा रहा है। आखिर लोगों का मतलब ये मतलब गलत फहमी है कि आपका ये गलत मतलब मैंने सोच है कि क्या है? मेरी गलत सोच नहीं है, और मैं लोगों को गलत सुनने के लिए गलत नहीं गा सकती, क्योंकि हमको पता है कि हम पब्लिक से हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक में हम गलत चीजें ही देंगे तो पब्लिक मुझे प्यार देगी, अगर बुरा सुनने वाले हैं तो अच्छे भी सुनने वाले हैं। और रहा बात व्यूज नहीं आने का, तो जो समाज में गलत करता है वही तेजी से आगे बढ़ता है, ये सबको पता है, चाहे वो घर की बातें हो या समाज की या मार्केट की, तो मुझे गलत करके नाम नहीं बनाना है, क्यों ना मुझे सारी उम्र लग जाए गाते गाते स्टार नहीं बनूं, मुझे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन मैं गलत नहीं गा सकती। क्या कीजिएगा आप लोग, व्यू नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे, जब तक दम है तब तक गाते रहेंगे, और आए दिन प्रयास करेंगे कि मतलब कुछ नया करें कि पब्लिक को अच्छा लगे, और आज नहीं तो कल जीत हासिल ही है मुझे पता है, क्योंकि पब्लिक मुझे भी एक दिन उस लेवल तक ले जाकर बैठा देगी जहां लोग मुझे सैल्यूट करेंगे और इज्जत और सम्मान के साथ मुझे बुलाएंगे और प्यार दुलार देंगे, गलत तरीके से नहीं। अच्छा, आप अभी मतलब कौन कौन से सिंगर के साथ गाना गा चुके? मैं किसी स्टार के साथ तो नहीं कहूंगी, क्योंकि स्टारों के साथ मेरा गाना नहीं आया है। सबसे बड़ी बात है कि इस लाइन में लोगों की मेंटेलिटी हो गई है कि बड़े लोगों के साथ गाना गाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं सामने, जो उससे मैं बहुत दूर हूँ। मैं ये नहीं जानती कि क्या किस हद तक वो सही है, बट अगर उस किसी स्टार के साथ गाने के लिए मुझे कोई कीमत चुकानी पड़ती है तो वो कीमत मुझे नहीं चुकाना है, मैं सिंगल ही गा के खुश हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी जगह पे बहुत अच्छा हूँ। चार ही लोग मुझे जानते हैं, इज्जत से जानते हैं, वही इज्जत मुझे चाहिए, मुझे हजारों की भीड़ में खड़ा होने का कोई शौक नहीं है। स्टेज शो करते हैं, जिस समय से हम एल्बम करते हैं उसी समय से हम स्टेज भी करते हैं, क्योंकि बचपन से हमको गायकी पसंद थी, स्कूल में मैं टॉप लेवल पे आती थी, अपने जिला स्तर पे मैं शील्ड पाई टॉप लेवल पे आके, मैं इस लाइन में आने के लिए मैंने घर वालों को बहुत कन्विंस किया, कोई एग्री नहीं था, मतलब मेरे पापा और भैया नहीं मानते थे कि मैं इस लाइन में आऊं, बोलते थे कि राजपूत की लड़की होके तुम गाओगी तो लोग क्या बोलेंगे। फिर मैं संगीत से प्रभाकर की 6 साल का कोर्स, अब 2 साल में कोरोना काल में मैं पीछे रह गई, एमए नहीं कर पाई, बट मैं अब चाह रही हूँ मैं एमए कर लूँ, क्योंकि इस लाइन में बहुत जरूरी है क्लासिकल, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है ये मैं मानती हूँ, तो मुझे हर हाल में एमए करना होगा,
लेकिन मैं अच्छे ही गाने लेके मार्केट में आऊंगी, गलत काम मुझसे कोई उम्मीद नहीं है और ना ही मेरे मतलब घर वालों को ये बात का संदेह है और ना ही पब्लिक को। मैं बस यही कहूंगी कि मैं नहीं गलत गा सकती हूँ। हाँ सामाजिक गाऊंगी, ऐसा नहीं कि लोकगीत नहीं गाती हूँ, बट साफ सुथरे मैटर जो आप अपने परिवार के साथ सुन के गा सकते हैं, बजा सकते हैं। आप अपना कोई मतलब लोकगीत जो है वो मतलब हमारे दर्शकों के लिए जरा बुलंद होनी। हाँ मेरे ऑफिशियल पे आया था सिल्की सिंह ऑफिशियल पे ये गाना छूट रहा था कि आगरा के घघरा पिया, आगरा के घघरा पिया, बक्सर के बाली हमरा चाही हो, जौवन होठावा पे लागे चटकार, आरा के होठ लाली चाही हो। मेरे ऑफिशियल पे ये गाना है सिल्की सिंह ऑफिशियल पे। ये मतलब संगीत के लेवल पे कोर्स भी की है, लेकिन इनका मतलब मेन सपना ये है कि अश्लील गाना नहीं गाएगी, और भी सिंगर की तरह मतलब अश्लील मैंने हमारे इंडस्ट्री में नहीं पहुंचेगी, तो इनका भी नहीं जा रहा है। आखिरकार ये मतलब हमारे दर्शक का भी गलती है, ऑडियंस का गलती है कि शायद से अगर कोई मतलब अश्लील गाना गा रहा है तो उसी का व्यू जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जो फ्रेश गाना गा रहा है, जो पारंपरिक गाना गा रहा है, जो अपने फैमिली में बैठ कर सुन सकते हैं, वो भी तो गाना चलना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए कि आपने तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अश्लील गाना एक भी नहीं गाई है, जो भी गाई है लोकगीत भी गाई है, लेकिन क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि मतलब पारंपरिक गाना से हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, ऐसा मतलब आपको लग रहा है? आज इस इंडस्ट्रीज में श्रद्धा सिन्हा जी को कौन नहीं जानता है? अगर हम किसी को मानते हैं तो कल्पना जी हैं और श्रद्धा सिन्हा जी हैं। और रहा बात तो हम श्रद्धा जी के दिखाए रास्ते पे मतलब चलना पसंद करते हैं, बजे या नहीं बजे, आज जो उनका इस भोजपुरी जगत में जो जगह है वो जगह ही मैं पाना पसंद करूंगी, अन्यथा मुझे चार दिन की चांदनी। बिल्कुल, मुझे बहुत प्यार मिलता है, लोग मुझे स्टेज पे मेरे गायकी को भी बहुत पसंद करते हैं, भले मैं एल्बम लाइन में कम हूँ बट स्टेज पे मैं डंके के चोट पे गा सकती हूँ। आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, हमको किसी से कोई डर नहीं है, किसी को दम है तो मेरा सामना कर ले, मैं गायकी में पीछे नहीं हटने वाली। एल्बम में मेरा व्यूज नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मंच के मैं भी एक टंच कलाकार हूँ, मुझे बहुत प्यार मिलता है पब्लिक का, मुझे बहुत खुशी मिलती है। कृष्ण भगवान का छठियार का मैं एक सॉन्ग सोहर छोड़ी थी, गोकुल में बाजे बधैया यशोदा मैया, गोकुल में बाजे बधैया यशोदा मैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, गोकुल में जन्मे कन्हैया यशोदा मैया, गोकुल में बाजे बधैया यशोदा मैया। मेरे ऑफिशियल पे ये गाना है, लेकिन आपसे क्या बताऊं, मुझे बताते हुए शर्म हो रही है, इतना प्यारा सॉन्ग को मात्र 250 ही लोग देख चुके हैं, अभी 250 व्यूज है मेरे चैनल पे, मतलब सोचने वाली बात है।